प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के पास संगत इकट्ठी होकर आई। बाबा नंद सिंह जी के पास संगत इकट्ठी होकर आई और बेनती की। बड़ी कमाल की घटना है ये, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। संगत ने बेनती की कि जहां पर गुरु नानक पातशाह ने नूर नुरंग कोड़ी का कोड़ दूर किया था, वहां पर अब हमने एक गुरुद्वारा बना दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी से बेनती की संगत ने, जहां पर गुरु नानक पातशाह ने नूर नुरंग कोड़ी का कोड़ दूर किया था, वहां पर अब गुरुद्वारा बना दिया संगत ने मिलकर। हम उस स्थान से आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर उस नूर नुरंग कोड़ी की कब्र वहां पर है जिसका कोड़ दूर किया था गुरु नानक पातशाह ने। गुरुद्वारे के लग के कब्र है, थोड़ी सी दूरी पर। अब गुरुद्वारे के अंदर कब्र सुशोभित नहीं देती, गुरुद्वारे के अंदर कब्र सुशोभित नहीं देती, क्योंकि गुरसिक्खी में कब्रों की पूजा करने की सख्त मनाही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्यादा नहीं है, इसलिए हमने दीवार बना दी, गुरुद्वारे और कब्र के बीच में दीवार बना दी। पर पातशाह कमाल की बात है, बाबा आनंद सिंह जी संगत कहती है, महापुरुषों कमाल की बात है, तीन बार दीवार बनाई है, तीन बार, तीनों बार गिर जाती है, बड़ी मजबूत बनाई है। शाम तक खड़ी करते हैं, सुबह आते हैं तो दीवार गिरी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। बाबा आनंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, ध्यान से बात को सुनो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की घटना है साथ संगत जी, प्रेम क्या होता है, प्रेम की ताकत क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो शब्द श्रवण कर रहे हैं ना, सिर्फ प्रेम है बस। इस शब्द की एक एक पंक्ति में केवल प्रेम है, इसका और कोई अर्थ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों के चरण पकड़कर गुरु नानक पातशाह कहते हैं हमें सिखाने के लिए कि मैं संतों के चरणों में गिर पड़ा हूं, कि मुझे दर्शन करा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक पयम पे संत जम पे, दर्शन करा दो, मिला दो प्रभु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी ने बताया, देखिए साथ संगत जी, बता कौन सकता है। एक एक यहाँ पर रुककर थोड़ी विचार करने वाली बात है। गुरु नानक पातशाह घटना सुनाने जा रहे हैं, गुरु नानक पातशाह की और नूर नुरंग कोड़ी की बात, बीच में जो बातें हुई हैं, विचार करने वाली बात है। गुरु नानक पातशाह के और नूर नुरंग के बीच में जो बातें हुई, वो कौन बता सकता है, कौन, जब तक वो मिला ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन बाबा आनंद सिंह जी। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे, बोले ध्यान से सुनो, जब गुरु नानक पातशाह ने नूर नुरंग कोड़ी का दुख दूर कर दिया, कोड़ दूर कर दिया, कुछ दिन उसके पास ठहरे, वहां से जाने लगे, तो नूर नुरंग कोड़ी कहता है, अगर आप जा रहे हो, आपके जाने की तैयारी है, तो मेरे भी प्राण त्यागने की तैयारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि मैं आपके दर्शनों के बिना अब नहीं रह सकता। नूर नुरंग कोड़ी का प्रेम देखिए, उसका कोड़ दूर हो गया, गुरु नानक पातशाह के दर्शनों के बिना रह नहीं सकता। कहने लगा, अगर आप मुझे छोड़ के गए यहां से, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना बाबा आनंद सिंह जी सुना रहे हैं। तब गुरु नानक पातशाह ने कहा कि हमें तो हुक्म है,
निरंकार का, खुद निरंकार है पर कभी कहा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हमें हुक्म है निरंकार का, आग लगी हुई है दुनिया में, जगह जगह जाना है, जहां जहां हुक्म है जाना ही पड़ेगा, पर तू कुछ मांग ले, जो चाहता है मांग ले, हम तुझे देकर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर नून नुरंग कोड़ी ने जो मांगा कमाल है साथ से, कहने लगा पाचा अगर सच में देना चाहते हो सच में तो यह तर्स कर दो कि जिस प्रकार आज मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, मैं रोज इस प्रकार आपके दर्शन कर सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रत्यक्ष दर्शन, मैं रोज इस प्रकार आपके दर्शन कर सकूं। गुरु नानक पाशाह ने यहां पर एक बात कही साध संगत जी, और ये जो गुरु नानक पाशाह ने यहां पे बात कही ना, ये इतिहास में कम से कम मैंने 50 जगह पे पढ़ी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कही, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कही, गुरु अंगद देव जी महाराज ने कही। यहां पर एक बहुत प्यारी शिक्षा है, जिनको प्रेम है, जो पाना चाहते हैं उनके लिए एक रास्ता है छोटा सा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम की जुक्ति, गुरु नानक पाशाह ने कहा जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, तेरे सामने बैठे हैं, यहां पर एक थड़ा बना ले, थड़ा बना लेना एक, और यहां पर आसन लगा लिया लेना। आसन, आसन कैसे कहते हैं साध संगत जी, यही बात दास कह रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कई लोगों ने कहा था कि आपके दर्शन कैसे होंगे, छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटना से गए वापस नहीं आए, पटना साहब से गए वापस नहीं आए, आनंदपुर साहब से गए वापस नहीं आए। जो जो लोग अत का प्रेम करते थे वो रोने लग जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी यही वचन कहे थे जो गुरु नानक पाशाह ने किए। गुरु नानक पाशाह कहने लगे खड़ा बना ले, एक आसन बना ले। आसन कैसे कहते हैं, मानो बैठने का स्थान, तकिए रखे हो, टॉवल रखा हो, जैसे कोई महापुरुष बैठेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा ही प्यारा सुंदर स्थान बनाकर एक आसन, चाहे वो सोफा हो चाहे वो धरती हो, ये जुगति है। आसन बनाकर बाबा नंद सिंह जी ने जब तप किया था ना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते थे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया था एक साल लगाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सामने आसन लगा लेते थे कि गुरु नानक पाशाह यहाँ पर आकर बैठकर सुनेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पाशाह बैठकर सुनते थे। बात को पकड़ना, ये भावना, ये प्यार, ये प्रेम पैदा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह कहने के आसन लगा लेना। आसन लगाने के बाद अमृत वेले सवा पैर रहते जब तू स्नान करके सिमरन में बैठेगा, नाम जपेगा, जब तेरा नित्यनेम पूरा हो जाएगा, अरदास करके माथा टेकना। गुरु नानक पाशाह के वचन, अरदास करके माथा टेकेगा, जब सर उठाएगा तू सर बाद में उठाएगा, हम पहले यहां पर बैठे होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ये बात सुना रहे हैं संगत को कि गुरु नानक पाशाह ने वचन दिए थे नून रंग कोड़ी को। उसके बाद गुरु नानक पाशाह वहां से चले गए। उसका नेम था पूरी रात जाकर सिमरन करता था, सवा पैर रहते, सवा पैर होता है 2:15 बजे रात को, स्नान करके वो सिमरन में बैठ जाता था। जब उसका नित्यनेम पूरा हो जाता था, माथा अरदास करके माथा टेक कर सर उठाता था, गुरु नानक पाशाह प्रत्यक्ष दर्शन देते थे उसे रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसकी कब्र बन गई है, उसकी मौत हो गई है। बाबा नंद सिंह जी बता रहे हैं, ध्यान देना साध संगत जी, आप कहते हो कि दीवार खड़ी कर दी है, दीवार गिर जाती है, 3 बार बनाई है, 3 बार गिर गई है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे कैसे रुकेगी दीवार, ये प्रेम की बात है, प्रेम के बीच में कोई दीवार नहीं ठहर सकती, चाहे लोहे की बना लो। वो बचन गुरु नानक पाशाह ने नूर नुरंग कोड़ी को दिए थे, अब तक वहां पे बैठा है नूर नुरंग कोड़ी। अमृत वेला होता है वो नित्यनेम करता है, कब्र जहां पर है उसकी। अमृत वेले उठ के जब वो माथा टेकता है, दीवार गिर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की बात है, ये कमाल इसलिए है क्योंकि उसके बाद जब संगत ने, बाबा नंद सिंह ने जुगति बताई, अब जब दीवार बनाओ बीच में खिड़की रख दो जहां से उसे दर्शन हो जाए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
क्योंकि जो थड़ा था जहाँ गुरु नानक पाशाह बैठते थे, जो आसन बनाया था, वहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर दिया है। अब जब अमृत वेला होगा, उसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन खिड़की में से हो जाएंगे, दीवार नहीं गिरेगी। संगत ने यही किया, साथ संगत जी खिड़की रख दी, बीच में सलाखे लगा दी, उसके बाद दीवार नहीं गिरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए कहना पड़ता है धन बाबा नंद सिंह जी। कौन बता सकता है ये बात, किसने देखा हो या जिसने सुना हो, जो मिला हो गुरु नानक पातशाह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।